بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد لقد روى الإمام الطبراني في كتابه المعجم الصغير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا دعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يضعون مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجونه ما أراد من النساء ويطؤون عقبه فقالوا هذا لك عندنا يا محمد صلى الله عليه وسلم وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بشر فإن بغضت فإنا نفرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح قال وما هي قالوا تعبد إلهنا سنة ونعبد تعبد إلهنا سنة اللات والعزى ونعبد إلهك سنة قال صلى الله عليه وسلم حتى أنظر ما يأتيني من ربي فجاء الوحي من الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنزل الله سبحانه وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين یہ جو حدیث مبارک ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے جو وحدانیت ہے جو ان کی اکیلے کی ربوبیت ہے اور ان کا اکیلے عبادت کے لائق ہونا اور ان کے سوا تمام کی عبادت کی نفی کرنا یہ ایسا عقیدہ ہے ایسی بنیاد ہے ایسا اصول ہے کہ اس پر کسی قیمت پر سودے بازی زندہ رہتے ہوئے کرنی جائز نہیں ہے اس پر نیگوشیٹ کرنا اس پر کسی کے ساتھ لین دین میں بات چیت میں نرم پڑ جانا یہ توحید ایسی چیز ہے اس میں کسی کو اپنی طرف سے کچھ داخل کرنے کی اجازت نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ وحدہ لا شریک رہیں اپنی مصلحت کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنی دنیاوی منفعت کے لیے اپنی جان چھوڑانے بچانے کے لیے صلح صفائی کے لیے جس طرح دوسری چیزوں میں لین دین کرتے ہیں توحید وہ چیز ہے اس میں حتیٰ کہ انبیاء اور رسولوں کو بھی کچھ کرنے کی اجازت نہیں
अंबिया और रसूल उन्हें भी कुछ करने की इजाजत नहीं है। और अगर कभी ऐसा मौका आया तो आसमान से इसके मुतालिक बड़े सख्त अहकामात आए। इसलिए ये कहना कि मिलजुल कर हमने रहना है, हमने को एग्जिस्टेंस करना है, हमने हारमनी के साथ रहना है। इसलिए तौहीद के मामले में, वहदानियत के मामले में, रुबूबियत के मामले में, अस्माउ सिफात के मामले में थोड़ी नरमी हो जाए तो कोई बात नहीं। ऐसा कहने वाला हकीकत में इस्लाम की रूह से नावाकिफ है, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये इस्लाम की दावत का काम करे। जो तौहीद के मामले में नरम पड़ जाए, लेने देने पर आमादा हो जाए, उसे हक नहीं है कि वो दीन की दावत। क्यों? ये मैं नहीं कहता। आइए इस हदीस मुबारक को सुनते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो कहते हैं कि कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, और ये कब की बात है? जब आप मक्का में दावत तौहीद दे रहे थे। मक्का की वो जिंदगी कितनी कठिन थी, कितनी मुश्किल थी, कितने मसाइब थे, कितनी तकलीफें थीं, और उन्हीं तकलीफों में से एक तकलीफ जिसका तसव्वुर करके अब भी रोंगटे खड़े होते हैं कि 3 साल के लिए शेबे अबी तालिब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खानदान और आपके सहाबा, उन्हें बंद कर दिया और उनका बायकॉट कर दिया। और हालत यह थी कि खाने के लिए मुयसर न था, बच्चे दिन और रात भूख और प्यास से तड़पते थे। और सहाबा किराम बयान करते हैं, हमारी हालत यहां तक पहुंची कि दरख्तों के पत्ते तोड़कर उन्हें खाते थे। जब पत्ते नहीं मिलते थे तो चमड़ा लेके चमड़े को पानी में भगो देते थे, जब नरम हो जाता तो वो चमड़ा चबा जाता। हम किसी ऐसी तकलीफ और इम्तहान का तसव्वुर भी कर सकते? हमारी तो ये है, रोटी में, खाने में, सालन में एक कंकर निकल आए, छोटा सा बाल निकल आए, तो हम वो सालन, वो खाना छोड़ के खड़े हो जाते। तो इतनी तकालीफ, इतनी परेशानियां और इतना सख्त माहौल था। तो क्या इंसानी अकल ये नहीं कहती कि कुछ लेन देन करके बात को नरम कर लो, माहौल को मीठा बना लो, कुछ आप नरम पड़ो, कुछ हम नरम पड़े, ताकि बात चलती रहे? कुरैश वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुलाया और कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको माल देते हैं, जितना माल चाहते हो बताओ, कितना चाहते हैं? और इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, यहां तक कि आप मक्का के सबसे अमीर आदमी बन जाओ। सारे मिलके इतना दें, मक्का के सबसे अमीर आदमी बन जाओ। और इसके साथ साथ अगर पसंद करो तो आपकी शादी औरतों में से उन औरतों के साथ कर देंगे जिनको आप पसंद करते हो, और यह होगा कि आपकी नस्ल खूब फैलेगी, आपकी नस्ल खूब फूलेगी, बड़ी औलाद, बड़े खानदान वाले बन जाओगे। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उनकी ये पेशकश न फिसला सकी, न हिला सकी, और ना कोई अल्लाह की तौफीक से कमजोरी पैदा कर सकी, तो कहने लगे, हमारे पास तो यही है, अब इससे ज्यादा और क्या, यही है। और हकीकत में यही है, इंसान
इन्हीं चीजों के लिए, सब के लिए या इनमें से कुछ के लिए सारी जिंदगी लगाता है। तो ये लोग जो आप चाहते हो वो देंगे और जितना चाहते हो उतना। और फिर कहने लगे कि आप ये करो कि हमारे जो माबूद हैं उन्हें बुरा भला कहना छोड़ दो, और उनमें जो खराबियां हैं, जो नुक्स हैं, जो ऐब हैं, वो जिक्र ना किया करो, रहने दिया करो बात को रहने दिया करो, ना जिक्र किया करो। और आज भी बड़े सयाने, बड़ी जमातों वाले, बड़े गरोहों वाले और बड़े तफासीर को पढ़ने और पढ़ाने वाले, उनका मामला क्या है? वो कहते हैं हर जगह तौहीद कितनी दबा के बयान ना किया करो, शिर्क जो है उसके मुतालिक कितनी गुफ्तगू अच्छी नहीं होती, लोग भाग जाते हैं। रहने दो सबको अपने अपने अकीदे पे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते ही हैं। इसलिए कब्रों के मुतालिक, मेजारों के मुतालिक, पीरों के मुतालिक और जो कुछ हमारे मुआशरे में खिलाफ तौहीद बातें हैं, नरम हाथ रखा। तो कुरैश उन्होंने भी यही कहा, कहने लगे कि बुरा ना कहा कर, खामोश रहा कर, तनकीद इतनी ना किया कर। और वो फिर कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारी बातें ये आपको पसंद नहीं है तो फिर एक काम और कर लेते हैं, वो क्या है? एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत कर लो। लात बुत है, उज्जा बड़े बुत हैं हमारे, ये दोनों, एक साल आप इबादत कर लिया करो, अगले साल हम आपके रब की इबादत कर लिया करें। अपनी तरफ से उन्होंने तजवीज बड़ी अच्छी दी, रास्ता अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने दरमियानी निकाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता यहां तक कि मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही नाजिल ना हो जाए। फैसला आसमान से आएगा, फैसला मैं नहीं कर सकता, मामला उसकी तौहीद का है, और जिसकी तौहीद है फैसला भी वही करेगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फरमाते हैं कि जिसकी तौहीद है फैसला वो करेगा, और ये आज के दो चार हर्फ पड़े हुए और वो भी उल्टे सीधे पढ़ने वाले, वो माजल्ला तौहीद को अपनी समझ के मुताबिक उलट पलट कर देते हैं, कौन होते हैं? फजा अल वहयू, तो आसमान से फिर वही क्या आई, कहां से? अल्लाह के पास से, और लौहे महफूज से वही आई। क्या आई? قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, फरमा दीजिए ए काफिरो। ये नहीं कहा कि ओ सुलह करने वालों, ओ दरमियानी रास्ता निकालने वालों, ओ अमन चाहने वालों, फुला फुला चाहने वालों, जैसे आज हमारी अक्सरियत का जहन बन चुका है कि मीठे अल्फाज, हां मीठे अल्फाज, अच्छा अंदाज, लेकिन कब तक? जब तक शरीयत इजाजत दे। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कहिए, उन्हें जब पुकारे तो क्या कहना है? या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत करने वाले नहीं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं उसकी इबादत नहीं करने वाला जिसको तुम पूछते हो। और आखिर में क्या फरमाया? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जाओ तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। और ये नाजिल हुआ, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अबुद अय्युहल जाहिलून, ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहिए कि ए जाहिलो, ए बेइल्मो, तुम मुझे कहते हो, मुझे हुक्म इस बात का देते हो
کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، یعنی یہ کہنے والا جاہل ہے، یہ کہنے والا جاہل ہے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور کہیے یقیناً یقیناً میری طرف آئی ہے وحی اور مجھ سے پہلوں کی طرف وحی آئی ہے، یعنی مجھ پر اور حضرت نوح تک جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان پر وحی آئی ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر یہ الفاظ قرآن کریم میں نہ ہو تو کوئی زبان پر لانے کی جرت نہیں کر سکتا. اور یقیناً یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا کیجئے؟ بل اللہ فاعبد، عبادت ایک بس. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے، یعنی جو ایک رب کی عبادت کرتا ہے وہ شکر گزاروں میں سے ہے، اور جو اس کی عبادت ایک کی نہ کرے اور باقی دنیا جہان کے کام کرتا رہے وہ نا شکرا ہے، وہ شکر گزاروں میں شامل نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اسی پر زندہ رہیں، اسی پر زندہ رہیں، توحید خالص پہ زندہ رہیں. اور مولا کریم توحید خالص پر ہی موت آئے، توحید خالص پر ہی موت آئے. آنکھیں بند ہو تو زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।